हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटास्किंग मामा। और आज मल्टीटास्किंग मामा में ये मामा करने वाली है आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेड्यूल। सो मॉर्निंग हो चुकी है मेरी, वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड दिस इज़ माय टी टाइम। यू नो मॉर्निंग होती है तो मेरी सुबह चाय के साथ ही होती है और चाय मेरा एक एनर्जी बूस्टर होता है। और आई होप कि आप लोगों में भी 60-70% लोग ऐसे ही होंगे जिनकी सुबह चाय के साथ ही होती है। सो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जो अदरक और दालचीनी की चाय। साइनस की प्रॉब्लम है तो जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम होता है उन्हें दालचीनी की चाय ज़रूर पीनी चाहिए, आप लोग भी यूज़ कीजिएगा। और लेट्स सी इसका इफ़ेक्ट कितना होता है, मैंने तो अभी रिसेंटली स्टार्ट की है। सो चाय रेडी है, चलिए पीते हैं चाय साथ में मिलकर बैठ कर। सो ये होता है मेरा बेस्ट टाइम, 24 आवर्स में से जिसमें ये बेस्ट टाइम होता है जो मैं बिल्कुल, और यू नो मेरा बिल्कुल माइंड फ्रेशअप रहता है। एंड यहाँ पर मैं इस टाइम पे अपना नेट सर्फिंग भी करती हूँ, जितने भी मेरे यूट्यूब के मैसेजेस वगैरह होते हैं उनको सबको चेक करके रिप्लाई करना। एंड समटाइम ब्लॉगिंग की एडिटिंग भी इसी टाइम होती है। सो चाय पी चुकी हूँ और अब मेरी स्टार्ट हो गई है रूटीन जो क्लीनिंग का है। सबसे पहले मेरा होता है डस्टिंग, जितना स्टार्ट होती है मेरी काउंटर से ही, बिकॉज टॉप फ्लोर है तो यहाँ पर मुझे डेली ही डस्टिंग करनी ही होती है। बहुत ज़्यादा बाहर से डस्ट आती है और सो हैंड टू हैंड में ये काउंटर भी क्लीन कर देती हूँ। जितना भी यहाँ पर क्लटर होता है वो सब वहीं पर रख देती हूँ मैं हैंड टू हैंड। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप डेली ही डस्टिंग थोड़ा बहुत करते रहते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। एंड यू नो जब घर में आपके बच्चे हैं तो काम तो आपका कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। अभी तो डस्टिंग है, जब वो लोग उठ जाएंगे, अभी सो रहे हैं तो मैं इजीली क्लीन कर सकती हूँ। अदरवाइज़ तो फिर सारा सामान इधर से उधर ही फैला होता है, कहीं टॉयज़ हैं, कहीं मीशो की बुक्स हैं, तो वो सब। एंड ये यहाँ पर मैं विंडो ओपन कर देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि जो धूप है वो डायरेक्ट अंदर आती है। एंड ऐसा सभी लोग बोलते हैं कि धूप का, सूरज का रोशनी घर में आना बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो गई है, ऑलमोस्ट डन है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, देखिए फाइनली मैं झाड़ू भी लगा चुकी हूँ, पोछा लगना बाकी है। ये रह गया, तो आप देख सकते हैं फटाफट से मैंने कर दिया है सफाई, बिकॉज बच्चे अब उठने वाले हैं, 7:30 आई गेस होने वाला होगा। सो इस टाइम जॉर्ज के उठने का टाइम हो चुका है। आई विश कि वो सोता रहे तो मेरा थोड़ा सा नहाना धोना कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज रूटीन। हाय गाइस, सो देखा आपने अभी थोड़ी ऊपर की क्लीनिंग हो गई है, और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सारा काम खुद ही मैनेज करना है। तो मेरा क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, और अगर मैं जल्दी उठ गई तो मेरा काम हो जाता है पूरा कंप्लीट, नाइन ओ'क्लॉक में फ्री हो जाती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं सुबह 6 बजे नहीं उठती हूँ तो मेरा पूरा डिले हो जाता है शेड्यूल। सो बेटर है जब आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप अगर जल्दी उठ जाते हो आप उनसे ईजिली मैनेज कर सकते हैं डेली को। सो मैं तब तक कॉल का नहीं उठाती हूँ, फिर आपसे अभी क्लास का टास्क मेरा ब्रेक हो गया, ये भाई साहब उठ गए थे। सो अब बस मेरा नहाना रह गया था, तो पैपो उठेंगे, डिश उठेगी, उनको बिजी करेंगे, तब तो कुछ काम कर पाएंगे। शिवी बिगाड़ी है, शिवी भाभी और
देखिए मेरा दूसरा आतंकी भी उठ गया है, आतंकी भी मॉर्निंग हो गई है। सो गुड मॉर्निंग, सो गुड मॉर्निंग। आत्म मिश्रू को हो गया है, जब मॉर्निंग होती है इसको मेरी गोली में बाहर आना होता है, क्योंकि शायद जॉर्ज छोटा है वो गोली में रहता, तो इसी लिए जितनी ही है उसको लगता है कि शायद मुझे कोई मॉर्निंग की गोली में रहना चाहिए। ऐसी है, हाँ ऐसा नहीं है। तो देखा कितना कोशिश कर दो आप मॉर्निंग में जल्दी फ्री होने की, बट अगर आपके बच्चे हैं और वो उठ गए आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि आपके पास कोई और हेल्पिंग हैंड नहीं हो। तो वैभव अभी सो रहे हैं, तो जब तक वो सो रहे हैं मैं इन लोगों के साथ खेल लेती हूँ, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं मेरे पास। वेल गाइस, अब वैभव भी उठ गए हैं तो उनकी चाय रेडी हो गई है, और साथ में ही मिशू का भी मैंने दूध कर दिया है यहाँ पर। अभी बस इन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली है। मिशू को कार्टून देखने होते हैं और वैभव को देखने होते हैं न्यूज़। मेरा तो कोई चैनल ही नहीं होता है, बट कोई नहीं, मम्मा है तो इन्जॉय तो करना ही पड़ता है। और अब ये मैं अभी अंदर रूम में थोड़ा सा हेल्प कर दिया था वैभव ने, क्योंकि भी बेडशीट थी ओढ़ने वाली चादर उनकी तय कर दी थी, यहाँ मैं फटाफट से बेडशीट बिछा देती हूँ। मगर हमारे जो जॉर्ज है वो यहाँ पर आके मुझे बार बार परेशान करे जा रहे है। वो तो कभी मेरा फ़ोन ले लेता है, और अभी हेयर ड्रायर निकाल लिया है ड्रेसिंग टेबल से, तो मैं बार बार रखती हूँ। आजकल इनको ड्रॉअर ओपन करना आ गया है, वो तो जब देखो उसमें से हेयर ड्रायर निकालते हैं और भाग लेते हैं। देखा अभी पूरा बेड क्लीन हो गया है, जस्ट 5 मिनट का काम था, और उसमें मुझे करीब 15 to 20 मिनट्स लग गए हैं, क्योंकि वृदित आ रहा था बार बार, मेरा फ़ोन उठा के भाग रहा है, सो वीडियो भी नहीं शूट हो पा रही थी, कभी कुछ लेकर जा रहा है कभी कुछ लेकर जा रहा है। सो एट द एंड मुझे पूरा टास्क कंप्लीट करना था, तो मैंने उसको अपनी सेल्फी स्टिक दे दी, तो वो उसके साथ अभी खेल रहा है। और फाइनली ये मेरा पूरा बेड भी क्लीन हो गया है, अंदर का रूम भी क्लीन हो गया है, और अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या है। और अभी इधर मेरे कपड़े जो है ये ऐसे ही रखे हुए हैं, तो इनको मैं बाद में करूँगी। सो ये मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि जैसा दिखता है ना वीडियो ब्लॉग में कि हम लोग बहुत अच्छे से लाइक उसमें मेंटेन करते हैं, तो वो नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग होता ही है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ये देखिए तो फिर से आ गए हैं, हाय आ, मतलब अभी इतना खुश है ये, जैसे कि इसको पता नहीं क्या मिल गया हो इस टाइम पर। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं अभी आपको 2 मिनट की ब्रेक के बाद। सो गाइज, मैं यहाँ पर नहाकर आ चुकी हूँ पूजा वगैरह करके। सो अब ये जॉर्ज भाई साहब हैं, फिर से मेरे पीछे लगे हैं, फिर से इनको गोदी आना है और ये सब वो सब। बस मैं बिज़ी करने की कोशिश करती हूँ कि सो डैट ये हो कि मेरा कॉम हो जाए, हेयर कॉम ईज़िली। इस टाइम हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ मैं पूरे दिन हेयर कॉम नहीं कर पाती।
सिर्फ जब व्लॉग वगैरह बनता है उसी टाइम पर ही करती हूँ मैं यूजुअली, इतनी एक्चुअली मेरी हैबिट भी नहीं है। गाइस गुड मॉर्निंग। सो अभी 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, मैंने क्या कहा था 7:30 पर मैं फ्री हूँ, 7:30 पर जॉर्ज उठ गया था, तो अब मुझे पूरा 10 बजे इतना काम कर दूंगे। तो मैं तेज जल्दी है तो मैं आज बना रही हूँ पोहा, तो सबसे जल्दी यही बन पाएगा। तो लेट्स सी, सो यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ और पोहे के लिए मैं क्या करती हूँ कि जो आलू और प्याज है दोनों साथ में ही कट कर देती हूँ और उनको उसी टाइम पर फ्राई करती हूँ। तो देखिए आलू और प्याज कट कर दिया है एंड पीनट्स हैं वो भी निकाल के मैं फ्राई कर देती हूँ। तो मुझे लगता है कि पोहा बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी होती है जब आपको कुछ नहीं मिले नाश्ते के लिए, बस निकालो चिड़वा भिगो दो और साथ में फटाफट से फ्राई करके आपको बना दो, हार्डली लाइक 6 to 10 मिनट्स के अंदर आपका ब्रेकफास्ट रेडी होता है। और पोहे के साथ ही मैंने दूसरी गैस पे रख दी है चाय, तो मेरी चाय बन गई है और जॉर्ज माशे फिर से आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है यू नो किचन में, तो लाइक समटाइम में मुझे बहुत इरिटेशन होती है एंड मैं शाउट भी कर देती हूँ वेपर के ऊपर कि अगर मैं किचन में हूँ तो 2 मिनट बच्चों को नहीं पकड़ सकते हो आप, यू नो डर भी लगता है कि कुछ सामान है गरम गरम गिर ना जाए, तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ ही हम यू नो काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा पोहा रेडी हो गया है और अब मैं इस पर डालने वाली हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। तो लीजिए पोहा है रेडी, चलते हैं और करते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। मेरा पूरा मॉर्निंग शेड्यूल हो चुका है, ब्रेकफास्ट बन गया है, अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो यही था आज का मेरा पूरा डे थ्री, कि कैसे निकलता है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और आपको दोनों वहाँ भी टू डे टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।